जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आया हुआ हूँ। कुछ लोगों को ड्राइविंग सिखा रहा था, तो दूसरा दिन हो गया था, आज उनका तीसरा दिन है। तो तकरीबन वो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं अभी, तो वो लोग गाड़ी में बैठे हुए, देखो अभी वहाँ उस साइड गए हुए हैं, आप देख सकते हो। अभी आएंगे वो लोग, अभी मैं दिखाऊँगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना ड्राइविंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा माहौल है, थोड़ा सा रनिंग किया जाए, है ना। 3-4 दिन हो गए, मज़ा नहीं आया। वैसे तो मैंने 2-3 दिन पहले रनिंग किया था, तकरीबन आज तीसरा 4th दिन हो गया है रनिंग नहीं किया। तो जहाँ भी मौका मिलता है ना, मुझे ऐसा एक शांत माहौल मिलता है तो मैं रनिंग कर लेता हूँ। तो आप लोग भी ना, ऐसी जगह है तो अपना क्या है, मैं झोले में हमेशा देखना, आप कभी भी मैं चलता हूँ ऐसी जगह तो अपना जूता वगैरह पूरा बैग में पूरा सामान रहता है। पानी मैंने पहले कहा था, है ना, पीने का एक पानी रखना है हमेशा बोतल में। आप देख सकते हो चारों तरफ, ये देखिए। तो मैं पूरा फुल तैयारी के साथ चलता हूँ, तो कहीं भी आपको मौका मिले, आधा एक घंटा है ना, आप रनिंग कर सकते हो। मेरा नाम है मीनबहादुर थापा। तो आज यहाँ से थोड़ा सा एक फ्री टाइम पे एक रनिंग, जैसे कहते हैं ना, मौका है वारदात इसको कहते हैं, कि ऐसी जगह मिली है ताकि हम आराम से रनिंग कर सकें। तो आज मौका मिला है, चलिए शुरू करते हैं रनिंग। तो दोस्तों सामने ये स्पोर्ट्स स्टेडियम है, हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में है, जो थानों वाले रोड पर पड़ता है। आप यहाँ पर चारों तरफ से एक बार व्यू देख सकते हो, बड़ा शांत एरिया है यहाँ पर। अगर आप मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर आते हैं तो बहुत ही एकदम अलग माहौल रहता है यहाँ पर, थोड़े से लोग रहते हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर इस रोड पे, तो है ना। और हमारा जो देख सकते हैं अभी साइड में है, जो खलंगा है, हमारा ट्रेनिंग एरिया भी इधर ही है। तो आज रनिंग होगा तकरीबन 5 किलोमीटर, देखते हैं। 40 मिनट का रनिंग करूँगा मैं, नॉर्मल स्पेस से पहले बॉडी वार्म अप होने दे। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे बॉडी को वार्म अप करें, उसके बाद रनिंग शुरू करें। ये देख सकते हो, ये लोग गाड़ी सीख रहे हैं, ये देखिए इनके भी खेदा नहीं करूँगा मैं। यार धीरे धीरे वो करते हैं, ये लोग तो भाग गए भाई, बहुत स्पीड में है। ये देखो 3 दिन में ये ड्राइविंग है इनके, ये देखिए। चलिए बहुत अच्छा है, बट अपने आप टर्निंग कर रहे हैं, देखिए पीछे आ रहे हैं। देखिए ड्राइविंग कर रही है मैडम लोग। अरे वाह, तो भगा रहे भैया। अभी तो पसीना नहीं आया, 1 किलोमीटर हो गया। क्या होता है जब आप रनिंग करते हो, शुरू के 15-20 मिनट तक आपको पसीना नहीं आता है, ठीक है। वो क्या होता है, वार्म अप टाइम होता है जो आपको धीरे धीरे करना होता है। उसके बाद जब आपका पसीना आना शुरू हो गया, जब आपका पसीना आना बंद हो जाएगा, समझ लो आप क्या हो रहा है, आपका जो शरीर का जो डिहाइड्रेशन होने जा रहा है, आपको मतलब पानी की कमी होने जा रही है, आपका चर्बी पिघल रहा है। जब बंद हो जाएगा तो समझ लो आपको क्या है, अब बहुत डिहाइड्रेशन होने वाला है, इसलिए बीच में थोड़ा सा आप पानी पी लें। जब आप कोई भी वर्कआउट करते हैं तो आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा पसीना आना ज़रूरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें।
ये है पीछे कड़क धूप है, आप देख सकते हो। वाह चलिए, लाइक दैट पीछे से आ रहे हैं वो लोग। ड्राइविंग जो है वो लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आ ही रहे हैं वो लोग। देख सकते हो दोस्तों धूप, सूरज दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। उनको जानू उसके डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कौन है ड्राइवर, कौन है ड्राइवर नया? देखो दोस्तों नया ड्राइवर है, दो दो डिलीवर देख रहे हो। तो दोस्तों देख सकते हो अभी ये ड्राइविंग करके, इनका टर्नओवर खत्म हो चुका है, अभी दूसरी मैडम जो है ड्राइविंग कर रही है। तो अभी इनको क्या है, साथ साथ मैं कह रहा हूँ रनिंग भी करो, है कि नहीं, क्या है दो दो काम हो रहे हैं एक साथ, देखिए। चलिए गुड भाभी, बहुत अच्छे, वाह देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, देखिए। तो मैडम का भी, मेरी मैडम है उनका भी अभी काम है, ड्राइविंग के बाद रनिंग में आएंगी वो, ठीक है। वो देखिए वो हैवी ड्राइवर, देखो भाई हाथ छोड़ के ड्राइविंग कर रहे हैं वो लोग। चलो आ जाओ, आ जाओ गुड। गुड गुड गुड, बॉडी वेट थोड़ा आगे, गर्दन नेक को थोड़ा डाउन करो, नाक बंद करो, मुंह से सांस, नाक से लो मुंह से छोड़ो, ऐसे करके नाक से सांस लो मुंह से छोड़ो। दोस्तों दिन में रनिंग करना एक अलग वो है, वो भी ऐसे चढ़ चढ़ाती धूप में, देख रहे हो आप, तो एक अलग वो रहता है। करके देखिए आप, हम ब्रेकफास्ट करके आए हुए हैं। ओ क्यों चलते रहो, रुकना आपका काम नहीं, चलिए शाबाश धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है मेरे, ये देख सकते हो, ठीक है। मतलब बॉडी वार्म अप हो चुका है अब फुल, अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा सकता हूँ यहाँ पर। जब आपका ज़्यादा सांस फूल जाता है क्या करना है, आपने नाक से सांस लेना है, कुछ सेकंड रोकना है, फिर मुंह से छोड़ना है, आपको थोड़ा सा वो मिलेगा, एनर्जी मिलेगा आपको, ठीक है, सांस में, ये ध्यान रखना, छोटे छोटे ये। जब रनिंग करते हैं आप नज़र सामने होनी चाहिए, गर्दन थोड़ा सा झुका हुआ, ये उसके बाद ये नज़र सामने, ये देख सकते हो। चलिए भैया हैवी ड्राइवर बन चुके हैं ये लोग, ठीक है। आ जाओ बहुत पीछे रह गए, रुकना नहीं है मैडम, आइए चलिए शाबाश। रनिंग करते हो तो मेरे को गाली देते हैं लोग, ठीक है, जब रनिंग के एक आध हफ्ता होता है ना तब बोलते हैं हाँ वो ठीक था, ठीक है। तो दोस्तों फायदेमंद है रनिंग करना, पर इतना भी मत करिए कि जो आपको नुकसान हो, कभी कोई भी एक्सरसाइज हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका आर्म्स उस लेवल पे नहीं है तो उतना ही करिए जितना आपका बॉडी के रिक्वायर्ड है,
ये ध्यान रखिए, देख सकते हो मैडम टर्न लेके आ रही हैं। दो दिन हो गए इनको, तीसरे दिन में आज ये लोग अपने आप ड्राइविंग करने लग गए हैं, है ना। तो क्या होता ना, सीखने का आपके अंदर जुनून होना चाहिए। हम तो सिर्फ मार्गदर्शन दे सकते हैं और गाइडलाइन दे सकते हैं, बस ये है। तो मैडम देखिए आप, ये देखिए, चलिए टॉप, ये देखिए भाई मैडम, देख सकते हो मैडम लोग कैसा लग रहा है ड्राइविंग में। बहुत अच्छा लग रहा है, कोशिश हो रही है। यस, वेरी गुड। चलो चलो चलो, गो 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 गो, अरे रनिंग है भाई मेरा तो, कमान। हाँ धीरे से, अरे मैडम ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं देना, गियर चेंज करके चलाओ। चलो गियर चेंज करो, गुड। कमान कमान, आ जाओ आ जाओ, रुकना नहीं है यार, टाइम है अभी तो, पसीना अभी तो शुरू हुआ है, पसीना आना। चलो आ जाओ, तो दोस्तों ये देख सकते हो वन राउंड क्या है, ये 1 किलोमीटर का है, तकरीबन 500 मीटर अबव है यहाँ पर। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को, जब भी आप रनिंग करते हैं 1:4 या 5 का रेशियो लेके चलना है, जो भी जो ब्रेथ कंट्रोल करते हैं आप लोग। अभी देखिए मेरा मुंह खुला है, 3 बार छोड़ दिया मुंह बंद, उसको नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना है। कितना टाइम हो गया, 5 से 6 तक करना है, उसके बाद फिर ये आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए रनिंग के दौरान, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ग्राउंड में करोगे नहीं इसका पता नहीं चलेगा, खुद करके देखिए इसको। तो दोस्तों अभी तकरीबन 4 चक्कर, मतलब 4 किलोमीटर हो गया मेरा ये, ठीक है। टाइम काफ़ी हो चुका है, आप देख सकते हो पसीना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है पूरा बॉडी ना आग उगल रहा, आग। अब ये लगा लो, मैंने गोप्रो का बैटरी चेंज किया अभी, इतना गर्म था ना हाथ में लिया मैंने, तो मैं रोटी कैसे गर्म होती है वैसे ही है, ठीक है। तो आप कभी भी ध्यान रख सकते हो, हाँ हाँ चलो चलो, जब आपका बॉडी बिल्कुल थक चुका होता है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है रनिंग में, कहते हैं यार बस, उसके बाद आप जो 1 किलोमीटर रनिंग कर जाओगे ना थोड़ा स्पीड से, वही है आपका माइंड सेटअप, ठीक है ना। वही है माइंड सेटअप, मैं और भी दौड़ सकता हूँ, यह आपके अंदर होना चाहिए। रनिंग यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, आप देख सकते हो अभी पसीने हो चुके हैं दोनों मैडम, हो चुका है, हो गया भाई, हो गया। चलो चलो, गाड़ी बंद कैसे करते हैं प्रॉपर डिसिप्लिन से, एंड गियर पे ब्रेक ऑन, ओके चलो हैंड ब्रेक ऑन पूरा, गाड़ी ऑफ, चलो बाहर आ जाओ। तो दोस्तों अभी दूसरा काम है हमारा, उस काम के लिए जाएंगे, आज इतना ही, काफ़ी हो चुका है मेरा बिना वार्म अप के और बिना कूलिंग डाउन के मैं ये एक्सरसाइज किया है। मौका मिल गया, मन कर गया, इसलिए दौड़ गया। आपको भी ऐसे ही होना चाहिए, आपके अंदर भी वो जोश और है ना सब कुछ बिल्कुल उसमें होना चाहिए। तो रनिंग करने के बाद तुरंत कभी भी पानी मत पीना, जितना रुक सकते हो वो आपके लिए अच्छा है। मुँह में पानी रख लो लेकिन पीना मत, ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो चलते हैं अभी
नेक्स्ट काम की तरफ, 10:30 होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हो आप, रनिंग ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। आप देख सकते हो क्या हालत है मेरी, ठीक है। तकरीबन 4 किलोमीटर रनिंग हो गया था आज, 4 चक्कर हो गए थे मेरे। तो इतना ही बहुत है डेली के लिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। आपको पसीना आना चाहिए, मेन वो है आपका जो है दिल क्या, हार्ट क्या, पंपिंग करना चाहिए, तभी आपका शरीर सही रहेगा। आपका ब्लड और हार्ट सही है पूरे शरीर में, तो आप पूरे फिजिकल फिट हो या मेंटली फिट हो, पूरा शरीर फिट है आप, मतलब कहते ना कि निरोगी हो आप एक, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अभी दोस्तों दूसरी जगह आ चुका हूँ मैं कुछ और काम के लिए। अभी यहाँ पर हमारे जूते चेंज होंगे। लाओ भाई जूते दो, जूते दो बेबी, गेट खोलो। हो गए जूते चेंज। अब थोड़ा मार्केट में आ गया हूँ तो जूते चेंज करना ज़रूरी है। क्या हो गया, अभी तो हालत ख़राब है भाई। चलो अब दूसरा काम शुरू।